इसका प्रातः क्लास है तेरह पांच 1964 बुधवार। रिकॉर्ड चला है न वो हमसे जुदा होंगे न हमसे जुदा होंगे। बच्चों का ही गाया हुआ गाना हम सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं जो बाप से प्रतिज्ञा करती हैं, क्या प्रतिज्ञा करती है? न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। अब हम कभी भी बाप से जुदा नहीं होंगे। आत्मा शरीर में तो विराजमान है, अभी बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपन को आत्मा निश्चय करना है। परमात्मा निश्चय नहीं करना है। जैसे सन्यासी लोग समझाते हैं परमात्मा सो आत्मा, फिर आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं ये उल्टी गंगा है। अभी बाप ने आकर समझाया है कि इस समय में तुम बच्चे देही अभिमानी भव, यानी आत्मिक स्थिति वाले बनो। इतना समय 63 जन्म तुम बच्चे देह अभिमानी बनते आए हो। क्या कहें? तिरसठ जन्म से देह अभिमानी बनते आए हो या सतयुग से लेकर देह अभिमानी बनते आए हो? है 63 जन्म से, उससे पहले नहीं? 16 कला संपूर्ण आत्मा सतयुग के आदि में होती है, फिर हर जन्म में देवान आता जाता है या नहीं आता जाता है? तो सतयुग से लेकर के तुम बच्चे कुछ न कुछ दे अभिमानी बनते आए हो। समझाना, क्योंकि ये शिक्षा मिलती है बच्चों को, आत्माओं को वापस जाने के लिए। इसलिए ये शिक्षा ही समय में यहाँ मिलती है, क्योंकि बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ कोई देह अभिमान नहीं है। हाँ, वहाँ देह अभिमान है, परंतु नहीं, वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध है। जब तुम बच्चे यहाँ देही अभिमानी बनते हो और बाप जो भी नॉलेज देते हैं सो नॉलेज आत्माएं ग्रहण करती हैं। ग्रहण करते करते अपने ज्ञान का प्रारब्ध का पार्ट बजा लेती है। वहाँ देह अभिमान या देही अभिमानी का क्वेश्चन नहीं होता। ये देह अभिमान और देही अभिमानी का क्वेश्चन यहाँ उठता है। ये क्वेश्चन क्यों उठा हुआ है? कहेंगे ड्रामा अनुसार,
हम आत्मा सो परमात्मा, ये कहें या नहीं कहें? ड्रामा अनुसार ये मुझे पड़ी हुई है। तो बाप आकर के समझाती है, पहले तो अपन को निश्चय करो, हू एम आई। सन्यासियों ने तो तुमको ऐसे ही कह दिया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी परमात्मा हैं, तुम भी परमात्मा हो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, यहाँ देखें तो भी तू ही तू, और वहाँ देखें तो भी तू ही तू। परंतु इस बात से कोई फायदा नहीं होता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, तू ही यानी परमात्मा ही परमात्मा। तो क्या सब परमात्मा हो जाते हैं? इसको ही लोग समझते हैं कि इसको कहा जाता है संभावनाएं, परंतु ये संभावना तो हो ही नहीं सकती है, कोई की भी संभावना नहीं हो सकती। और संभावना है किसकी? बाप के बच्चे की भी संभावना नहीं है। आजकल के समय में बच्चे बाप को मार डालते हैं, तो कभी बाप बच्चों को भी मार डालते हैं, बच्चे माँ को मार डालते हैं, तो कभी माँ बच्चे को भी मार डालती है। ये बात समझी ना, क्योंकि अज्ञान है, घोर अंधेरा है। मनुष्य इस समय जानवर से भी बदतर हो पड़ते हैं। देखो बंदर का मिसाल बाप ने पूरा बताया कि भगत नारद ने कहा हम लक्ष्मी को बरेंगे, तो तुम अपने दिल रूपी दर्पण में अपन को देखो, लायक हो? अच्छा कैसे लायक हो? नारायण की तरह स्वदर्शन चक्रधारी हो, क्योंकि तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, चक्रवर्ती राजा भी तभी बनते हो। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले देही अभिमानी भव। देखो बार बार ये बात कहते हैं, कल पहले भी बार बार कहा था देही अभिमानी भव। अब ऐसे समझो कि मुझे आत्मा को परमात्मा इस शरीर से अपना परिचय दे रहे हैं, पढ़ाए रहे हैं, और आत्मा में जो आसुरी संस्कार हैं, वो संस्कार भी बदली कराए रहे हैं। संस्कार शरीर में नहीं है, संस्कार अच्छे और बुरे आत्मा ही ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। तो इस समय में बार बार कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चों ने गीत भी तो सुना है ना, अभी हम आत्माएं आपके साथ ही योग लगाएंगे। गीत क्या सुना? न हम उनसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे।
ऐसा हो सकता है? है? हो सकता है? है? कि भगवान हमसे जुदा नहीं हो और हम भगवान से जुदा नहीं हो? है? हो सकता है? कैसे? क्योंकि बोला है एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है और दुनिया का कोई भी व्यक्ति वस्तु सदा कायम नहीं रहती है। तो जो बाप सदा कायम रहता है उसी के लिए संभावना है आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा जब कहा जाता है तो किससे तुलना की गई है? आत्माओं के साथ तुलना की गई। कौन सी आत्माओं के साथ तुलना की गई? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, जिसके लिए गीता में कहा है क्षर अक्षर शिव से तुलना नहीं की गई है। क्षरित होने वाली जो आत्माएं हैं, जिनकी कलाएं क्षरित होती रहती हैं, आत्मा की शक्ति क्षरित होती रहती है, उन आत्माओं में एक ही हीरो पाठधारी आत्मा है, जिसके लिए ये गीत घटित होता है, नवो हम से जुदा होंगे न हम से जुदा होंगे। कहां की बात है? एक जन्म की बात है या जन्म जन्मांतर की भी बात हो सकती है? ये अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। जन्म जन्मांतर की भी बात हो सकती है। ये हमारा प्यार बाप से कभी भी बिगड़ नहीं सकता। कौन से बाप से है? कौन से बाप से प्यार बिगड़ नहीं सकता, घट नहीं सकता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप शिव के साथ पूरा तादात्म्य स्थापन कर लेता है, संगम युग में ही बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। इसलिए उसका नाम, उसे एक का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो बाप है जिसके लिए बोला कि वो हमसे जुदा नहीं हो सकता। बोले पवित्र रहने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न हम बच्चियों को सहन करने पड़ते हैं। सहन करने पड़ेंगे। तेरह पांच 1964 की वाणी का दूसरा पेज देखो। ये गीत माताओं का गाया हुआ है। कहती है हमको बहुत ही दुख सहन करना पड़ेगा क्योंकि हम उनको जहर नहीं देते हैं, विष नहीं देते हैं।
ये नूंद है कि इन आबलाओं को सितम बहुत सहन करना पड़ता है और गाया भी जाता है अबलाओं के ऊपर सितम बहुत पड़ती है, क्योंकि वो दुर्योधन नगन करना चाहते हैं। ये फिर जब बाप की बनती है तो बोलती है हम तो कभी नगन नहीं होंगे। देखो बाप का बनने के लिए कितनी मार खाती है, तो उनके ऊपर पहले से ही गीत बनाया हुआ है। ये गीत कोई तुम ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है, अनायास ही कोई से बनवाया हुआ है। और इसका अर्थ कोई जानते थोड़े ही है, जिन्होंने बनाया है वो तो गवर्नमेंट के रेडियो में भी ये सभी गीत गाते हैं, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं कि ये किसने गाया है और किसके लिए ये गीत है। न वो हमसे जुदा होंगे, वो तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान के निराकार या साकार कोई भी रूप को नहीं जानते। उनका बैठ करके अर्थ ये रिकॉर्ड जैसे तुम्हारा शास्त्र बन गया, इसलिए वो कहते हैं ये क्या है, ऐसे तो कभी भी कहां होता नहीं है कि रिकॉर्ड बजाएं और भगवान को याद करें। ये रिकॉर्ड बजाना और उनका बैठ करके अर्थ करना, ये रिकॉर्ड तो बहुत करके फिल्मों से निकलते हैं। वो समझते हैं ये फिल्म का इनका कोई शास्त्र निकल पड़ा है। ये शास्त्रों के रिकॉर्ड पर तो नहीं है, पर ये बाबा ने तुम बच्चों के लिए बनवाए हैं, इसलिए तुमको ये रखने चाहिए। और समझाना चाहिए कि देखो जब हमारा बुद्धियोग बाप के साथ लग जाता है तो हमको पवित्र तो जरूर रहना पड़े ना। इस पवित्रता की रखड़ी तो एकदम पक्की पक्की बांधनी पड़े, क्योंकि इसको कहा जाता है बस इनसे जास्ती प्यारा और कोई नहीं। कोई भी भगत भगवान कह करके याद करते हैं, परंतु क्या कहें क्या करें, भगवान उनको पता ही नहीं है। कह देते हैं शिव शंकर महादेव सब को इकट्ठा कर देखते, इकट्ठा नाम ठोक दिया है। फिर कहते हैं सभी भगवान ही भगवान है, कृष्ण भगवान है, हाजरा हुजूर है, एक था जिनमें कृष्ण ही कृष्ण कहते हैं। अरे कोई वहां वृंदावन में जाओ तो तुम वहां देखेंगे एक वल्लभाचारी लोग, या ऐसे कोई और लोग भी हैं जो राधे के पुजारी हैं। कहते हैं जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, ऐसे भी बहुत करते हैं।
तुमने तीर्थ पूरे नहीं किए हैं और बाबा ने तो सभी तीर्थ किए हैं ना, तो बाबा को सब मालूम है कि क्या क्या करते हैं। कहते हैं जिधर देखो राधे ही राधे। कोई साई बाबा वाले होंगे वो कहेंगे जिधर देखता हूं उधर साई बाबा ही साई बाबा। कहते कि साई बाबा भगवान का अवतार है, ऐसे मान लेते हैं। तो देखो कितना अंधकार है। ये बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे, ये फिर भी होने का है। अंत तक तुम जो भी देखेंगे ये सारा बना बनाया ड्रामा है। इसलिए बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये सभी ड्रामा मेनूद है, बनी बनाई बातें हैं, इसमें किसको कोई दोष देने की बात नहीं रहती है। और यहां तो ये समझने की बातें हैं कि बरोबर हम बच्चों का बाप के साथ बहुत प्यार है, सारी दुनिया से और फिर इस ज्ञान से। जब कहते हो किस ज्ञान से ज्वाला प्रज्वलित हुई तो वो कह देते हैं ये क्या, ये तुम्हारे बाबा ने क्या कहा, इसलिए तो वो शिव बाबा का नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं तुम्हारे बाबा ने यज्ञ रचा है क्या, ये यज्ञ विनाश करने के लिए है, भारत का विनाश करेंगे। हम कहते हैं कि भारत में शांति हो जावे। तो देखो वो और ही बिगड़ पड़ते हैं। ऐसे कोई कोई निकलते हैं जब कहा जाता है कि भाई इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी लिखा हुआ है ना, अर्थ भी तो समझना चाहिए। जरूर कोई रुद्र के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला भी होगा ना। अभी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है या श्री कृष्ण का यज्ञ है, देखो इन बातों में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये बाबा आकर के यज्ञ रचते हैं और यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। तो तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ब्राह्मण हो गए। 13.564 की वाणी का तीसरा पेज, ये हुआ बेहद का बड़ा यज्ञ। वो हद के यज्ञ रचे जाते हैं ब्राह्मणों द्वारा। हद के इसलिए है कि उनमें हद की ब्राह्म सामग्री स्वाहा होती है और इस यज्ञ में तो बेहद सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है। सेठ लोग बहुत यज्ञ रचते हैं, उनमें नामी ग्रामी एक रुद्र यज्ञ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रुद्र यज्ञ कहते हैं। ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते परंतु कोई कोई लगाए भी देते हैं। फिर ज्ञान का जब नाम आता है तो वो यज्ञ में भागवत रामायण इतना वेद फलाना कह करके रख करके बड़े बड़े एकदम बैठ जाते हैं, जहां जो चाहो सो मिले, रे बड़ी चाहिए रे बड़ी मिले, जो चाहो सो शास्त्र मिले।
वेद भी मिले, फलाना मिले, जहां जिसको चाहिए सो खड़े हो जावे। ऐसे भी यज्ञ रचते हैं, परंतु ये तो है रुद्रज्ञान यज्ञ, इनको कभी भी कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। तुम जब किसको समझाएंगे, अरे भाई लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण, राधे कृष्ण छोटे, लक्ष्मी नारायण बड़े, अरे भाई इनमें तो ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान से होती है सदगति, वहां तो होती ही सदगति है। सतयुग में आदि में 16 कला संपूर्ण, वो तो कृष्ण बच्चा ही होगा, वहां तो सदगति हुई पड़ी है, वहां दुर्गति कहां है जो ज्ञान सुनावे। तो कहां की बात हुई, ये कलयुग अंत की बात हुई जहां सब दुर्गति में है। तो देखो ये कितने समझ की बातें हैं। ये रुद्र ज्ञानी यज्ञ से यहां सदगति होती है, उनको जब फिर ऐसे ही कह देंगे कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं था, तो वो तो और ही बिगड़ पड़ेंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं ये सारी गीता कृष्ण ने रची, तुम बच्चियां उनको समझाए नहीं सकेंगे, तो फिर बिगड़ पड़ेंगे कि गीता को गीता ज्ञान कोई कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता है, उसको तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ज्ञान कभी नाम सुना क्या, वहां तो बाप है और फिर ब्राह्मण है, ऐसे थोड़े ही लिखा हुआ है कि भगवान ने बैठ करके ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, नहीं, वो तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं लिखी हुई है। घोड़े पर अर्जुन के रथ में बैठ करके ज्ञान दिया, तो देखो ये रथ हुआ ना, शास्त्रों में दिखाते भी हैं, जैसे कठोपनिषद में कहा है शरीरम रथम विद्ये, शरीर को रथ समझ, इंद्रियाणि अयान्याहु, इंद्रियों को घोड़ा समझ, बुद्धि को लगाम समझ। तो देखो ये भगवान का मुकर्रर रथ हुआ ना, इस रथ में रथ का मालिक रथी बैठा है, और फिर भगवान सारथी भी बैठा है। ऐसे तो तुम्हारी हरेक के रथ में रथी है, उस रथी को आत्मा कहा जाता है, इसको अपने रथ में रथी है आत्मा, परंतु बाप फिर कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूं। जो लोन लेता हूं मैं, उस रथ रूपी मकान में रहता भी हूं और धनी भी रहता है। कौन हुआ धनी है, 64 की वाणी है, ब्रह्मा बाबा हुआ धनी, रथ का धनी,
देखो बाबा बॉम्बे में गया था ना, तो जिनसे मकान लिया था वो मकान का धनी भी मकान में रहता था। वहां ये बाबा भी जाकर के रहा, तो दोनों उस मकान में रहे। तो यहां भी ये ऐसे है, रथी भी है उनमें। तो देखो गीता में क्या लिखा हुआ है और क्या बाप बैठ करके समझाते हैं। मैंने क्या कहा था, अभी मैं फिर से तुम बच्चों को शायद समझाता हूं। तो ये है ना भगवान वाच, क्या कि मैं फिर से तुम बच्चों को बैठ समझाता हूं। फिर से का मतलब क्या, इसी जन्म के लिए फिर से कहेंगे या 84 जन्म पहले की बात है? है इसी जन्म की बात है। तो भगवान वाच है, मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं और विनाश के बाद तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाएगी। है ये क्या कहा, विनाश के बाद राजाई स्थापन हो जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा फिर राजाई स्थापन हो जाएगी, तो कोई फायदा होगा क्या है? ये बेहद की बात है, हद की दुनिया की, हद की विनाश की बात नहीं है। बाप आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, नौ कुरियों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, उसमें विनाश होने के बाद तुम बच्चों की राजाई स्थापन हो जाएगी। माना जो भी रुद्र वत्स हैं उनकी राजाई स्थापन हो जाएगी और तुम राजाई करने लग पड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी गीता वाला कभी भी नहीं कह सकता, सिर्फ कहते हैं भगवान ने नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो वो नारायण बना। तो ये थोड़े ही समझते हैं कि भगवान ने जिस जन्म में ज्ञान दिया उसी जन्म में ज्ञान लेकर के वो नारायण बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, ये सब पॉइंट समझाई जाती है धारण करने के लिए, और निश्चय बुद्धि हो करके हाँ बरोबर हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और कल्प कल्प आते हैं, कल्प के संगम युग में आते हैं। इस संगम युग एक अक्षर भूल जाने से ये युगो युगो की बात लिख दी है। कहाँ लिख दी है? है गीता में लिखी हुई है, संभवामी युगे युगे। तो सारी खिटपिट हो गई। और फिर देखो कितने अवतार बनाए दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 24 अवतार, 10 अवतार, परशुराम अवतार। अब इन ढेर के ढेर अवतारों ने आकर क्या किया है, क्या किया?
क्या नई दुनिया बनाई? परशुराम अवतार ने कुल्हाड़ा लेकर के क्षत्रियों का विध्वंस किया। देखो क्या लिखा हुआ है, भगवान आकर के विध्वंस करते हैं, कुल्हाड़े से हिंसा करते हैं। अभी इस समय की बात है, ये समय एक भी बात नहीं लगेगी। हाँ आटे में लून मिसल जरा सा लगेगा, बरोबर ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, क्योंकि अभी पिछाड़ी हो गई है। तुम बैठ करके राजयोग सीखते हो, बड़ी भारी कमाई करते हो, बहुत अथाह कमाई है। और सब जो भी इस दुनिया के करोड़पति हैं, पदमपति हैं, उनका तो सिर्फ नाम ही रहता है पदमपति करोड़पति, नाम भी ऐसे ही रखाई देते हैं। क्योंकि वो इस दुनिया के लिए बहुत ही साहूकार है ना, और आजकल तो बड़े साहूकार हो गए हैं। 13.564 की वाणी का चौथा पेज, ये सब बेचारे एकदम मिट्टी में मिलकर के खत्म हो जाएंगे। माना मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाएंगे, देह अभिमानी की मिट्टी में खलास हो जाएंगे। बस अनायास ओच तो आएगा ना, सभी कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, लड़ाई वगैरह वगैरह। बाबा ने समझाया है कि जब पिछाड़ी का विनाश होता है, ऐसे तो थोड़े थोड़े झगड़े लगते ही रहते हैं। देखते हो कि कैसे लगेगी, और भी तुम देखेंगे कितनी जोर से लगती है बम से। तो वो एक दो कच्चे बम थे, जैसे हिरोशिमा और उनको लगाया, अभी तो एक दो भी नहीं है, अंबार है, ढेर के ढेर है, और सब देशों के पास है। वो सारे बॉम्ब्स कोई समुद्र में थोड़े ही फेंक देंगे? अरे वो बॉम्ब्स तो उनकी मिल्कियत है, करोड़ों पदमों रुपया कमाया, उनके ऊपर खर्चा किया है। तो बुद्धि भी नहीं काम करेगी कि कोई ऐसे फेंक देंगे क्या, छोड़ देंगे क्या? नहीं, ये सभी ढेर बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं, बाप समझाते हैं, ये ढेर न बने तो बिल्कुल जल्दी मौत हो जावे। ऐसे नहीं है, बनेंगे तब तो ढेर की ढेर मौत होगी और जल्दी हो जाएगी। पीछे थोड़े ही कोई हॉस्पिटलें होंगी जिनमें तुम्हारी दवाई चलती रहेगी। हिरोशिमा में जो बॉम्ब्स फूटे थे, उनमें जो घायल हुए थे, उनकी तो अभी भी दवाइयां चल रही है हॉस्पिटलों में।
परंतु ये तो अंतिम लड़ाई होगी, इतने सब मर जावेंगे, वहां कहां की दवाई, कहां की बात, ये तो सब जैसे राख हो जाएंगे। समझा ना, ये बॉम्ब ऐसे बने हैं जो पीछे की लड़ाई में दुख नहीं देंगे। जैसे हिरोशिमा में जो घायल हुए थे वो आज भी हॉस्पिटलों में कराए रहे हैं, आगे वालों में कुछ दुख होता था, अभी बच्चों को कोई भी दुख नहीं होगा। बस फट से एकदम खलास, नहीं तो कहां दवा, कहां दरमल, वहां कोई रहता थोड़े ही है, तो बाप भी नहीं रहता। ड्रामा में ऐसे भी है, बाकी तो मरेंगे ना, तो जल्दी जल्दी एकदम खत्म हो जाएगा। इसको कहा जाता है ये प्रलय एक ही होती है जिसमें कुछ बच जाते हैं, बाकी सब खलास हो जाते हैं। तो है न एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। अभी ये बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने महाभारत लड़ाई में दिखाया है, द्वापर में विनाश हुआ, महाभारी महाभारत युद्ध हुआ। अब वहां कोई अनेकों धर्म थोड़े ही होते हैं, और फिर उस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाते। कोई शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना, क्या खाली स्थापना, नहीं, स्वर्ग की स्थापना, तो स्वर्ग में रहने लायक सब को बनाए रहे, फिर सबको भी किनको, क्या और धर्म वालों को, नहीं, सूर्यवंशियों को बनाए रहे हैं, लायक यानी पवित्र बनना। पवित्रता के ऊपर सारा मदार है, पवित्र है तो पवित्रता के ऊपर सब नमन करते हैं, मत्था टेकते हैं। जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो एकदम सो जाते हैं, इतना मान पवित्रता के ऊपर है। बाप भी कहते हैं बच्चे अभी तुम आत्माओं के ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं, तो तुम उड़ करके आएंगे कैसे, योग अग्नि से तुम्हारे पर फिर आ जाएंगे। तो इसलिए बाप पहले पहले बैठ करके ये बात समझाते हैं, देखो ये डिफिकल्ट बात है, ये कोई लल्लू पंजों की बात नहीं है, और ये नई दुनिया की राजधानी लेना कोई मासी का घर थोड़े ही है। पहले पहले जो मुख्य बात है कि अहम आत्मा मम शरीर,
और अहम आत्मा शांत स्वरूप, बस आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो शांति के लिए कहां धक्का नहीं खाना पड़े। इसके ऊपर दृष्टांत देते हैं कि हार ढूंढता था, परंतु वो हार उनके गले में पड़ा था। उनको शांति चाहिए शांत देश में जाने के लिए। शांति के लिए कोई जंगल में थोड़े ही जाना पड़ता है, जैसे सन्यासी लोग जाते हैं। सब आते हैं, कहते हैं बाबा हमको शांति चाहिए। सन्यासी आते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मन की शांति कैसे मिले। अरे तुमको अशांत किसने किया है, पहले ये बात तो बताओ। अशांत किया है माया ने। इस दुनिया में अभी माया का राज्य है, तो यहां शांति कहां से आएगी जहां माया का राज्य है, रावण का राज्य है। वहां कोई भी एक भी शांत नहीं रह सकता। भगत लोग कहेंगे मेरे को सन्यासी से शांति मिली। अरे वो शांति भी कहां तक है? सन्यासियों से कहां तक शांति मिलेगी? हाँ कुछ शांति मिलेगी। अरे पर वो शांति अल्पकाल, क्षण भंगुर शांति। ये वही है काग विष्ठा समान सुख, काग विष्ठा समान शांति। परंतु हम बच्चों को तो अविनाशी शांति मिलती है, न कि अल्पकाल क्षण भंगुर की। तेरे 564 की वाणी का पांचवा पेज। सन्यासी कहते हैं ना ये सुख है काग विष्ठा समान। अभी तुमको सुख चाहिए तो सुख भी स्थाई चाहिए ना। यहां मनुष्यों को पैसे मिलते हैं तो सुख हो जाता है, परंतु नहीं, तुम बच्चों को चाहिए अच्छी शांति, स्थाई शांति। तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि पवित्रता से तुमको जितना सुख और शांति चाहिए ले लो। ये सुख शांति का भंडार है, ये शिव बाबा का पवित्रता का भंडार है। शिव बाबा ही एवर प्योर है। तो तुमको जितना सुख शांति चाहिए हो ले लो, क्योंकि ये सारी दुनिया का बाप है ना। तो एवर पवित्र बाप को कहा जाएगा। एवर पावन बाप है, बाप एवर पावन है, तभी तो आकर के पतितों को पावन बनाएंगे ना। तो वो सबको पावन बनावेगा। धर्म पिताएं तो पावन नहीं बनाते, उनके आने के बाद तो दुनिया और पतित होती जाती है। तो वो एक ही बाप है, वो सबको पावन बनावेगा।
इस तन से है। अरे मुकर्रर रथ से या टेम्परेरी रथ से लोन के मकान में आकर के पावन बनावेगा क्या? तो सन्यासी थोड़े ही पावन है जो पावन बनाएंगे, ये तो गंगा में स्नान करके समझते हैं आत्मा निर्लिप है। कभी बीमार भी नहीं होती, शरीर बीमार होता है तो समझते हैं कि पाप लगता ही है शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपर पाप लगता है इसलिए समझते हैं कि बीमार पड़ते हैं। तो चलो समझते हैं गंगा में जाकर के इनकार पाप नाश करें। तो तुमको समझाने के लिए कितनी पॉइंट्स देते हैं। कभी भी सन्यासी हो तो उनको कह देना कि भाई आपका है रजोगुणी हठ योग सन्यास और हमारा है राजयोग का सन्यास। तुम जिसको कहते हो ये सुख काग विष्ठा समान है और हम देखो राजयोगी है, हम स्वर्ग के लिए राजा ही पाते हैं, बाप स्वर्ग का स्थापन करने वाला है, तो उनको ये अक्षर यथार्थ से कहने से जचेगा कि बरोबर इनका मार्ग इनको बाप दिखाने वाला है। तो टेम्पटेशन होगा, लुभाएगा, समझेंगे होगा ओहो यहाँ मार्ग दिखाने वाला परमपिता परमात्मा बाप है जिसको खिवैया कहते हैं। काहे का खिवैया है? काठ की रवैया का खिवैया नहीं, ये शरीर ही नवैया है, कठ बुद्धियों की नवैया। जिसमें बाप खिवैया बनकर के आता है वो पतित पावन बाप कहते हैं। अरे उनके तो बहुत नाम दे देते हैं, सदगति दाता कहा जाता है। तो पतित पावन माना ही सबको दुर्गति से सदगति करने वाला। अच्छा दुर्गति किसने की है? अनेक सिर वाले रावण ने दुर्गति की, वो है ढेर के ढेर धर्म पिताएं जिनके आने मात्र से ही दुनिया और गर्त में चली जाती है। ये तो एक ही बाप है, एक ही मुकर्रर रथ वाला है जो सदगति देने वाला है। तो देखो सदगति दाता कहा जाता है शिव बाबा को, सदगति माना ही सच्ची गति। मरने के बाद सच्ची गति या जीते जी सच्ची गति उसको कहते हैं सदगति। वो दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना,
पति तो पावन कहेंगे ना, पति तो बनाने वाला तो नहीं है। पति तो पनाह का दाता तो नहीं है ना। तो फिर जब वो है ही सदगति दाता और पतित पावन जो हमको पावन बनाते हैं, फिर सवाल उठता है कि कौन है जो फिर हमको दुर्गति देते हैं, पतित बनाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, मनुष्य इन बातों को थोड़े ही जानते हैं। जब तुम बच्चे द्वापर से वाम मार्ग में गिरते हो, विकारी बन जाते हो, तो फिर तुमको ये रावण दुर्गति देते हैं। वाम माने उल्टा, उल्टा रास्ता बताते हैं। कौन रावण? कौन? जरूर कहेंगे ये मनुष्य गुरु लोग, मानवीय धर्म पिताएं। वो थोड़े ही सतीत्व में जाते हैं, उनकी सदगति होती है क्या? और खुद भी दुर्गति मार्ग में आते हैं, सारी दुनिया को दुर्गति में ले जाते हैं। बाबा ने समझाया ना, वहां जगन्नाथपुरी है एक, मंदिर में दिखाते हैं जगन्नाथ बैठा है, और जगन्नाथ माना ही राधे और कृष्ण। परंतु वो काले ही रख देते हैं, विचारों को काला क्यों रख दिया है, ये भी तो बंदर लगता है। और नाम ही उनका रख दिया है श्याम सुंदर। ये नाम क्यों रख दिया है? है? क्योंकि एक ही शरीर में श्याम सुंदर है। या जैसे कच्चे ब्राह्मण कहते हैं यहाँ कलयुग में है श्याम और सतयुग में होगा सुंदर, नहीं, ये एक ही शरीर का नाम है श्याम सुंदर। पहले क्या? पहले श्याम, फिर बाप क्या बनाते हैं? बाप सुंदर बना देते हैं। अरे भाई, सुंदर सतयुग में और श्याम कलयुग में, वहां उनको रख दिया है। दिखाते हैं सर्प ने डसा और काला बन गया। हैं? कौन सी नदी का सर्प है? काली नदी का सर्प है। उस सर्प ने डस लिया, तो सर्प के डसने से काला बन गया। काला माने श्याम। फिर सुंदर कैसे बन गया? दिखाते हैं काली देह में कूदा है। देह माने क्या? देह माने जिसमें आग दहकती है, ऐसा कुंड, विचार की आग दहकती रहती है।
ऐसे कुंड में कूदा तो श्याम बन गया। फिर बाप आकर के सुंदर बनाती है। अभी देखो कहां की बात कहां ले जाते हैं। काली देह ये जब नरक के कुंड में गिरना शुरू हो जाता है नरक क्यों कहा? क्योंकि नरक क्या बनाते हैं उस कुंड को है? व्यभिचारी बनाते हैं या व्यभिचारी बनाते हैं? व्यभिचारी बना देते हैं, काला बना देते हैं। तो जब नरक के कुंड में गिरना शुरू होता है तो श्याम। तो देखो ये काला चित्र बनाया है। वाह, जगन्नाथपुरी के उधर बड़ा अच्छा कार्विंग का चित्र है। ऐसा गंदा चित्र है। जैसे ये गवर्नमेंट है ना, जब भी कोई गंदा चित्र देखती है विलायत से आते हैं, वाचिंग में आते हैं, सिगरेट केसों में, बहुत ही चीजों में गंदे चित्र आते हैं। परंतु उनसे भी बड़े गंदे चित्र मंदिर के ऊपर में है। कहाँ? कौन से मंदिर में? जगन्नाथ के मंदिर में। अभी देखो उन गंदे चित्रों को तो गवर्नमेंट बंद कर देती है, जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर आदे आते हैं। ऐसे ऐसे चित्रों को गवर्नमेंट बंद कर देती है, बैंड कर देती है। परंतु अभी अगर तुम बच्चे गवर्नमेंट को बतावे कि तुम जाओ जगन्नाथ के पूरे ऊपर मंदिर में देखो, देवताई चित्र भी तो हैं, वो बहुत मशहूर होते हैं। 13564 की वाणी का छठा पेज। देवताएं जैसे होते हैं ताज सहित पीतांबरी वगैरह, और ऐसे ही देवियां भी दिखाई जाती है। फिर देखो मंदिर में ऐसे गंदे काम दिखलाए हैं। क्यों? ये किस समय का चित्र है? है? जब वाम मार्ग में गए हैं तो वाम मार्ग के चित्र दिखाए। तो बस इन चित्रों को कर दिया है। देखो देवताएं भी तो ऐसे विकार में गई ना। अरे देवताएं जब विकार में जाते हैं तो वो देवता थोड़े ही कहलाते हैं। ओम शांति।